और चलिए इस वक्त रुक करेंगे बड़ी खबर का। क्राइम ब्रांच के हत्थे चंदन का तस्कर चढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आते हुए, दिल्ली के गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद चंदन का तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने अमित उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 571 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी बरामद की है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आते हुए, लंबे समय से पुलिस इस तस्कर की तलाश में थी, जिसके बाद आज दिल्ली में एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद चंदन का तस्कर अमित उर्फ बॉबी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में उसके पास से चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। 571 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी पुलिस ने बरामद की है। एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहां पर दिल्ली पुलिस को, जहां पर उसने चंदन के तस्कर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा चंदन का तस्कर। आपको एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली के गोदाम में छापेमारी के दौरान चंदन का यह तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसके पास से 571 किलोग्राम चंदन की लकड़ी भी बरामद की है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं अनमोल। अनमोल, क्या है पूरा मामला? जी, क्राइम ब्रांच टीम ने ये तस्कर को पकड़ा है। लाल चंदन की तस्करी कर रहे थे, जिस समय ये पकड़ा है। गोदाम पे छापा इनके पर मारा गया। दिल्ली से ये छापेमारी की गई, जब क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर को दबोचा है। साथ ही इसके पास से जो चंदन की लकड़ी बरामद की गई है वो 471 किलो है, क्योंकि ये लगभग इतनी बड़ी संख्या में ये अवैध तस्करी कर रहे थे। और क्राइम ब्रांच टीम ये जानने में जुटी हुई है कि कब से ये अवैध रूप से इस तरीके की तस्करी कर रहे थे और कहां कहां इनका ये माल तस्करी करते थे, दिल्ली में था या फिर ये एनसीआर या पूरे भारत में ही पूरी तस्करी करते थे, और इनकी टीम में कितने लोग जुटे हुए थे। वहीं क्राइम ब्रांच टीम इसकी सूचना अभी उन्होंने प्रदान नहीं की है, लेकिन जिसके बाद कुछ समय में ही इसकी सूचना दी जाएगी कि ये कितने लोग जुड़े हुए थे और कहां से इसे गिरफ्तार किया गया है, और पूरी जानकारी विस्तृत रूप से साझा करेंगे। लेकिन अभी गुप्त सूचनाओं के अनुसार यही पता चला है कि जो इसे पकड़ा गया है, ये गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गोडाउन का एक सूचना मिली थी, जिसके बाद गोडाउन पे जब छापेमारी की गई तो इसको एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जी अनमोल, कितने समय से पुलिस तलाश में थी इसकी? पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जिसके जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है, इसकी गोडाउन की एक सूचना मिलती है कि इतने की लोग लकड़ी इसमें रखी हुई है, इतनी बड़ी मात्रा में संख्या में ये लकड़ी लाल चंदन की तस्करी जो करते थे, ये लकड़ी यहाँ पे है। तो पुलिस ने जब छापेमारी की तो इसको मौके रंगे हाथों पकड़ा गया, तो एक गिरफ्तारी इसमें की गई है। जी ये बताइए अनमोल की 571 किलोग्राम एक बड़ा आंकड़ा है, क्या और भी आशंकाएं जताई जा रही है इस तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद में? जी बिल्कुल, इसमें इतने बड़ा आंकड़े में ये लकड़ी बरामद की गई है, तो कहीं ना कहीं और आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि जब इससे सूचना प्रदान की जाएंगी कितने लोग इसके ग्रुप से जुड़े हुए थे और कितने इससे, क्योंकि अभी इसे गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है, तो और खुलासे भी हो सकते हैं। जी अनमोल, कब से अवैध तस्करी चल रही थी, कुछ अंदाजा इस गिरोह के बारे में लगाया जा सकता है? लगभग सूत्रों के अनुसार जानकारी में यही पता चला है कि लगभग ये 2 से 3 साल पहले से ही तस्करी कर रहे थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिल रही थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन विस्तृत रूप से भी पुलिस ने कोई, क्राइम ब्रांच टीम ने कोई जानकारी नहीं दी है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कितने समय से ये कर रहे थे तस्करी। अनमोल, मुखबिर की सूचना पर क्या पुलिस वहां पर पहुंची थी छापेमारी के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये मुखबिर की एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इसमें ट्रैप बिछाया था और एक गोडाउन पे छापेमारी की, जिसके बाद ये तस्करी, ये तस्कर पकड़ा गया। साथ ही लाल जो चंदन की लकड़ी है उसे भी भारी संख्या में बरामद किया गया। जी अनमोल, टोटल कितनी टीमें लगी थी इसके लिए? इसके लिए कम से कम ये क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ की टीम, कई टीमें लगी थी, लगभग 5 टीमें इसके लिए गठित की गई थी, और छापेमारी कई दिनों से इसकी की जा रही थी, जिसके बाद आज पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल हमसे जुड़ने